SRM टुडे शहर की आवाज। डॉक्टर राधेश्याम डोरिया स्मृति सेवा समिति द्वारा संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें संभाग की 12 टीमों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, जिसका शुभारंभ किया गया। स्वर्गीय डॉक्टर राधेश्याम डोरिया की स्मृति में संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता डॉक्टर राधेश्याम डोरिया स्मृति सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित हुई, जिसमें संभाग की 12 टीमों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, जिसका आज शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का पहला मैच मंदसौर और अफजलपुर के बीच हुआ। 8 मैच प्रतियोगिता के पहले दिन हुए हैं। वही प्रतियोगिता के दूसरे दिन 3 सेमीफाइनल मैच होंगे और दूसरे दिन शाम को फाइनल मैच होगा। इस प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 11,111 ट्रॉफी के साथ दिए जाएंगे। वही दूसरे स्थान पर आने वाले विजेता को 5,111 ट्रॉफी के साथ दिए जाएंगे। वही 2 इनाम समिति द्वारा रखे गए हैं। इसके अलावा 12 टीमों के 114 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वही इस मौके पर योगेंद्र कोठारी, धर्म जागरण विभाग संयोजक युवराज सिंह चौहान, युवा समाज सेवी निर्मल गंगवानी, संघ के विभाग कार्यवाह दशरथ झाला उपस्थित रहे, जिनके द्वारा खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। काफी अच्छा रोमांचक मुकाबला दोनों का खेलेंगे। काफी बहुत स्पीड से खेले, काफी फास्ट इनका प्रदर्शन रहा है यहाँ पे। बहुत सम्मान के हकदार है। समिति द्वारा यही प्रयास किए गए कि खिलाड़ियों स्वर्गीय डॉक्टर राधेश्याम जी डोरिया जी की स्मृति में समिति द्वारा संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन आज 8 और 9 तारीख को किया जा रहा है। आज पहला दिन शुभारंभ दिन है। आज पूरे संभाग की 12 टीमों का द्वारा यहाँ पार्टिसिपेट किया जा रहा है। शुभारंभ में मंदसौर और अफजलपुर में टीम के बीच में प्रथम मैच यहाँ पे शुरू किया गया है। समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय यहाँ आयोजन रखा गया है। समापन में
इंदौर के बेस्ट खिलाड़ी जो तमिल थलाईवास टीम में खेलते हैं प्रो कबड्डी में, वो कल समापन में विशेष अतिथि के रूप में आएंगे ताकि खिलाड़ियों को हौसला अफजाई मिले। इसके अलावा कल शाम को समापन कार्यक्रम है और आज के दिन 8 मैच पूरे टोटल हो यहाँ पे होंगे और दूसरे दिन 9 तारीख को सुबह 3 सेमीफाइनल मैच होंगे। तो फाइनल मैच कल शाम को 4 बजे होगा, उसके बाद अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि भी समिति द्वारा प्रथम इनाम 11,111 विथ ट्रॉफी रखी गई है, दूसरा इनाम 5,111 और ट्रॉफी रखी गई है। इसके अलावा दो बेस्ट इनाम समिति द्वारा रखे गए हैं, बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर। इसके अलावा समिति द्वारा 12 टीमों के 144 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित किया जाएगा। ये कबड्डी जो है राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों के अनुसार पूरे स्टेट के 8 रेफरियों के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसकी एक जो मैट होती है राष्ट्रीय स्तर की जो मैट होती है जिसपे खिलाड़ी खेलते हैं, उस मैट के ऊपर खिलाड़ियों के बीच आज यहाँ मैच करवाया जा रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित पल है, क्षण है कि हम ये आयोजन हम समिति द्वारा यहाँ कराया जा रहा है। हाँ, जिस हिसाब जिन मापदंडों के हिसाब से और जो टीमें आ रही है बेस्ट टीमें संभाग की 12 टीमें वो उनके माध्यम से यह आयोजन संभवतः पहला आयोजन है और इनाम की राशि जो रखी गई है वो भी संभवतः पहली बड़ी राशि रखी गई है। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इसमें संभाग से 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी जी। किन बातों को कार्यक्रम किया जा रहा है कबड्डी का? ये कार्यक्रम मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर राधेश्याम जी डोरिया की स्मृति में किया जा रहा है। बेसिकली वो कबड्डी के खेल प्रेमी थे और कबड्डी के खेल को काफ़ी महत्व देते थे। AKFI एमएच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरीके का आयोजन हमारी समिति द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आयोजन किया जा रहा है कबड्डी का। संभाग स्तरीय 12 टीमें आई हुई है पूरे संभाग से और ये डॉक्टर राधेश्याम जी डोरिया के स्मृति में करा जा रहा है। हर बार ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए और मंदसौर जिले में पहली बार ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है कबड्डी का। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।